स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लाइफ का एक्चुअल मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ लाइफ को सक्सेस बनाना ही होता है। सबके मूवमेंट में ऐसी बात होती है, सब लोग कुछ ऐसा मूवमेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा नया करना चाहते हैं जिस वजह से वो सक्सेस जल्दी पा जाए और सक्सेस पा के वो आगे बढ़ सके, तो उनकी लाइफ का यही मतलब होता है। और यही मतलब निकालने के लिए लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जाके या फिर अलग अलग जो जिस जिसका जिसमें टैलेंट रहता है वो लोग अलग अलग सब चीज़ करते हैं और वो अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हैं। सबके लिए ये होता है और सब ऐसा करना चाहते हैं। और मेरा भी मानना है कि जब तक लाइफ अगर हमारी सक्सेसफुल नहीं बनती तब तक हम शायद खुद से संतुष्ट नहीं होते, खुद से ही परेशान रहते हैं, खुद में ही उलझे रहते हैं। पर किसी भी उलझन में रहकर हम अगर सोचें कि अपने लाइफ को हम सक्सेसफुल लाइफ बना लें तब भी नहीं बना सकते जब तक कि हम कोशिश नहीं करेंगे। मतलब सक्सेस होने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है कि हमें अपनी कोशिश को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपनी कोशिश निरंतर करते रहना चाहिए। अगर हम कोशिश को हमेशा करते रहेंगे तो हम एक दिन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे, क्योंकि एक कोशिश ही हमारी एक ऐसा हथियार है जो कि हमें आगे बढ़ने में शायद बहुत मदद करता है और हमें आगे तक लेके जाएगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कोई भी चीज़ कभी भी मिलने वाली नहीं है, हमारी कोशिश ही हमें आगे तक लेके जाएगी, बाकी और कुछ भी नहीं लेके जाएगी। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी लास्ट एज होती है या फिर हम जिस भी क्राइटेरिया में अपना कदम रखते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतने एज तक इतने दिन तक आप इसमें आ सकते हो या फिर इतने एज तक आप इसमें लिए जा सकते हो, उसके बाद नहीं। तो जब आप जानो कि ये मेरा लास्ट मोमेंट है, ये मेरा लास्ट स्टेज है, तो आप कुछ ऐसा बड़ा कर जाओ, कुछ ऐसा खेल खेल जाओ जिससे कि लोग आपका, अगर आप जीतो, पहली बात तो अगर आपने फुल मेहनत की है, पूरी कोशिश की है, तो आप जीतोगे। और अगर नहीं जीतते, हार भी जाओगे, तो जीतने वाले से ज़्यादा नाम हारने वाले का होता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा खेल कुछ खेल जाता है। अब जीतने वाला तो जीत गया, उसका तो वहीं पे लोग स्वागत करेंगे, या फिर वो जीत के निकल गया आगे। पर जो लास्ट मोमेंट पे जाके हारता है ना, उसका नाम शायद बहुत दूर दूर तक होता है और हमेशा के लिए होता है, क्योंकि लोग उसको याद करते हैं हमेशा कि यार वो एकदम मोमेंट एकदम पहुंचने ही वाला था तब वो हार गया। तो कुछ ऐसा खेल खेल जाओ ताकि आपका भी नाम हो, कुछ ऐसा बड़ा कर जाओ ताकि आप भी लोगों के बीच में आ सको और लोगों के बीच में आपका भी नाम हो सके। क्यों? क्योंकि जब तक आप कुछ ऐसा करोगे नहीं, कुछ बड़ा सोचोगे नहीं, कुछ बड़ा बनोगे नहीं, तब तक आप भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ नहीं बना सकते हो। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, बिना ये सब के अगर आप सक्सेस कभी भी नहीं हो सकते। और अगर आप हो भी जाओगे तो शायद उतनी बड़ी मंजिल को नहीं पा सकते जितना कि आपने सोच के चला होगा। और अगर आप निरंतर कोशिश करते हो तो आपको मिलेगा जितना आपने सोचा है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। बस उसके लिए आपको प्रयास पे प्रयास करना पड़ेगा। और बिना असफलता का स्वाद चखे हम सफलता को ना जान सकते हैं, ना ही सफलता पा सकते हैं। एक ना एक दिन तो हमें असफलता मिलेगी, उसके बाद ही हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं और शुरू करते हैं। बिना चढ़े हम सफलता नहीं देख सकते, असफलता हमें मिलेगी। तो इससे हमें डरने की बात नहीं है। कभी कभी हम बहुत उदास हो जाते हैं, तो इससे उदास होने की बात नहीं है। बस अपना खेल खेलते रहिए और उस खेल में इतने माहिर हो जाइए ताकि अगर कोई आपके सामने आए तो वो आपसे आगे ना जा सके। और कुछ ऐसा बड़ा खेल जाइए ताकि दुनिया भी आपको याद जरूर करे। तो यह हमारी छोटी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर आप लोग भी नए आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो आपके पास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके और उस वीडियो को भी आप देख कर कुछ ना कुछ सीख जरूर सके। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।